अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। हमीरपुर मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित घुमाटा गांव के लोग पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नालियों के लिए की गई खुदाई का विरोध कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने बिना पंचायत और ग्रामीणों को पूछे बिना ही नालियों की खुदाई कर दी है। घुमाटा गांव में हालत ऐसे है कि घर घर कोई ना कोई मरीज है। नालियों की खुदाई होने के बाद मरीजों को सड़क तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। घुमाटा गांव पंचायत प्रधान सपना देवी ने बताया कि गांव में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नालियों की खुदाई की गई है, जिसे अभी तक भी पक्का नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने विभाग से मांग की है कि इन नालियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, साथ ही नालियों की चौड़ाई कम की जाए। मेरा नाम रीना है। क्या समस्या? समस्या है कि हमारे घर के सामने जो है नाली नहीं कहेंगे इसको, तो नाला ही बोलेंगे। नाली ऐसी नहीं होती है। मेरे ससुर जो है बेड पर है और मेरा भी पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो हमने यहाँ से जाना है सड़क पार करनी है, तो कैसे करनी है? हमारे घर के पीछे 100 मीटर पीछे कम से कम, मतलब जो घर है उनके घर के पास पुली होती थी, वो पुली गवर्नमेंट ने बनाई थी तो उन्होंने बंद करवा दी वो पुली, और सारा पानी फिर उनकी सड़क के उनके घर के पीछे इकट्ठा हो गया। तो फिर उन्होंने नाली खुदवा दी कि सारा पानी इस घुमाड़ की साइड को कर दिया वो सारा पानी, और वो पानी पहले से उधर को जाता था उनके घर के पास जो पुली बनी थी। वो पुली बंद क्यों करवाई गई? वो गवर्नमेंट ने बनवाई थी, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करवाया था, वो क्यों बंद करवाई? और फिर उन्होंने नाली यहाँ खुदवा दी, पानी सारा यहाँ को कर दिया, घुमाड़ की साइड को कर दिया। घुमाड़े वाले के घर के पास जो है पानी पानी हो गया, उनके घर को खतरा है, तो हम क्या करें? नाले बटा अब इस समस्या का हल किया जाए। सड़क कैसे क्रॉस करनी है, हमने कैसे जाना है? बीमार है मेरे ससुर, बीमार रहते मैं घर पर रहती, मेरे पति जो है बाहर है वो आर्मी में, मेरी सासू माँ वो भी बूढ़ी है, तो मैंने कैसे हैंडल करने है अपने बूढ़े सास ससुर को? कहीं ले जाना है तो कैसे ले जाऊंगी मैं? और यहाँ पर जो नाली निकाली गई है वो गलत निकाली गई है, क्योंकि यहाँ का पानी जो था ही नहीं, यहाँ पर लेन था यहाँ पर, लेकिन जो पीछे से पानी आ रहा है वो सारा इधर ही कर दिया इकट्ठा है उन्होंने। पीछे एक नई कॉलोनी बनी है उसका पानी भी यहाँ लोग मकान डाल रहे हैं, सारा पानी जी इसी नाली में कर दिया उन्होंने। और घुमाड़ा के लिए कर रहे हैं कि घुमाड़ा के लिए जाए, तो घुमाड़ा भी जो हुआ है वो भी नहीं लेगा सारा पानी, ना लेगा लेगा ना लेगा। अगर समाधान करना है इस चीज़ का तो फिर नीचे तक लेके जाए नाली, अगर हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं नाली का, लेकिन पानी जो घुमाड़ा में नहीं जाना चाहिए, नीचे एक पुली बनी उसको बंद किया जाए, फिर उसका पानी जो नीचे जाकर चैम्बर बना हुआ है गाड़ी की मोड़ पर बाहर निकाला जाए वो पानी फिर नाले में, क्योंकि ऐसे इनके और हमारे यहाँ पर दादाजी हैं उनकी भी बुरी कंडीशन है, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल लेके जाने हो तो कैसे लेके जाएंगे उनको, क्योंकि यहाँ तो कितना खड्डा कर दिया कि नाला बना दिया, नाले तो नहीं कह सकते हैं इसको, और फिर ले आना जाना मुश्किल है, क्योंकि हर घर में एक ही बेटा तो जॉब कर रहे हैं, तो फिर हमें भी मुश्किल होती है महिलाओं को, वो कैसे इकट्ठे हो पाएंगे, तो हम कैसे लेके जाएंगे उन्हें हॉस्पिटल? हमारी यही रिक्वेस्ट है। लोगों की शिकायत है कि ये पानी जो है वो नीचे गांव में जा रहा है। जी हाँ जा रहा है सर। और घरों में घुस रहा है। जी हाँ जी। और घरों को भी प्रॉब्लम, क्योंकि घर भी मतलब हमारे ढह सकते हैं, गिर सकता है हमारा मकान जो नाले के साथ मकान डाले, और कईयों ने तो ऐसा किया है कि जैसे नए मकान बना रहे हैं तो नाले जो वो बंद कर रहे हैं पुराने, उनका पानी जो फिर सारा यहीं आ रहा है, वो पानी कहाँ जाएगा फिर? जब नाले ही पुराने बंद कर दिए जाएंगे तो पानी तो फिर नया रास्ता ढूंढेगा ही, पानी तो भी इधर उधर जाएगा पानी फिर, तो हम हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये पानी नाली जो है या तो पक्की किया जाए और यहाँ पर स्लैब डाला जाए, क्योंकि आने जाने में दिक्कत हो रही है यहाँ पर, परेशानी जल्दी से जल्दी मरीज को हमने हॉस्पिटल ले जाना है तो कैसे ले जाना? एकदम से जेसीबी आई, हमें खबर नहीं की कि जेसीबी आ रही है, यहाँ नाली बन रही है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए तो पहले की हाँ यहाँ पर नाली निकाली जाएगी, तो चलो डिस्कस कर लेते गाँव वाले भी इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ समाधान करते इस चीज का, लेकिन एकदम से जो इन्होंने अटैक कर दिया वो तो किसी को खबर नहीं दी। नाम अमरू देवी है जी, और मेरे घर के सामने नाली निकाली है, मेरा पति बीमार रहता है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो कैसे ले जाऊंगी मैं? हैं, मेरा लड़का फौज में, मेरा आदमी इस पर पड़ा है चारपाई के ऊपर, आप ही बताओ क्या करूं मैं? हैं, कहां से मैं बंदे लाऊंगी और कहां उनको गाड़ी में बिठाऊंगी? हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई इसको ठीक किया जाए और इधर रास्ता आने बना जाए। हैं, ठीक है, आगे बोलूँ कुछ? बस क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सड़क पास हुई है तो इसके साथ नालियाँ भी पास हुई हैं, तो कहीं कहीं जगह पर नालियाँ बना दिया, बाकी कहीं पर नालियाँ नहीं बनाई है इन्होंने, अपनी मर्जी के साथ काम किया और मेंटेनेंस में इसमें रिकॉर्ड में दिखा दिया कि हमने नालियाँ बना दिया, जिससे लोगों के लिए समस्या खड़ी हो गई है जी।
तो अभी क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं सरकार से कि रोड बनाया जाए, इसके दोनों तरफ दो इसके नालियों की बननी चाहिए, जनता की समस्या से दूर होनी चाहिए। आपका कहना है कि ये जो पास कर दिया है रोड, लेकिन कागजों में नालियाँ नहीं है, हकीकत में नहीं है। हाँ, बोर्ड में लिखा है तो ये कागजों में बता रही है, हकीकत में नहीं। कहीं बनाया, मेरी बात से चौके में बना दिया, टिक्कर में बना दिया, इसमें बना दिया, ये देखो कि साथ में बनी है, ये पक्की नाली बनाई है इसने, पर बीच में क्या अपनी मर्जी से छोड़ दिया। सर किसने भी बनाई आपकी यहाँ पे? है किस भी